अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज का हमारा मौजू है एक्सेल के अंदर हम अपना कोऑर्डिनेटेड प्लान कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी वे है, इसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट इनपुट करने और इस तरह का प्लान आपके सामने बन जाएगा। आप ये देखेंगे पूरा इंटरचेंज का प्लान है, इसके अंदर सेंटर लाइन्स हैं, इसके ऑफसेट्स वगैरह, इसके कोऑर्डिनेट्स और बाकी डेटा सारा इनपुट हुआ हुआ है। तो इसके मुतालिक हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि हम अपना इस प्लान को हम एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं, इस प्लान को या किसी भी कोऑर्डिनेटेड प्लान को कोऑर्डिनेट की मदद से हम कैसे इजीली उसको बना सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को स्टार्ट कर। तो आप ये देख रहे हैं कि आप इधर से जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सपोज़ ये सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे इधर हमारे पास डेटा इधर सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरीके से मैं इसकी ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, हमारे राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स इधर सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास इधर लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स इधर सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से सारे जो से भी आपने कोऑर्डिनेट्स लगाने, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मेट होएगा वो सिंपल ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग के ऊपर होएगा, इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं है। जो से भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्सेल के ऊपर लिखे हुए हैं वो आपने सारे इधर लिख देने। इसी तरीके सो हम इधर अपनी नई शीट के ऊपर आ जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जस्ट इस सारे कोऑर्डिनेट्स इसके लिखे हुए हैं, इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग सारी लिखी हुई है। मेन कैरिज भी हमारे पास जा रहा है, इसी तरीके से ये हमारे पास रोड जा रहा है, दूसरा एक्सेस रोड है, ये हमारे पास रैम्प्स हैं, ये रैम्प 2, रैम्प 3 और इधर रैम्प 4 वगैरह। तो ये हमारे पास सारे इसके डेटा, जस्ट आपने कोऑर्डिनेट्स का डेटा आपके पास होना चाहिए। आपके पास सेंटर लाइन का, उसकी राइट साइड का और उसकी लेफ्ट साइड के जो से भी आपके पास राइट ऑफ वे जितना भी आप लगाना चाहते हैं उसका डेटा आपने इधर लिख लेना। लिखने के बाद आपने ये डेटा इसी तरीके से बना लेना जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो उसके बाद आपने दरमियान में इधर एक मैं इधर इस कॉलम को इधर इंसर्ट कर देता हूँ, जगह खाली कर दूँगा इधर थोड़ी सी। तो ये जगह खाली करने के बाद इन सेल्स को मैं इधर मर्ज कर देता हूँ, ये इधर सेल को मैं मर्ज कर दूँगा ऊपर से, और इधर से ये देखेंगे जगह खाली होगी। इधर हम अपना प्लान बनाएंगे, तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो ईस्टिंग नॉर्थिंग आपके पास सेंटर लाइन की जा रही है कोई भी पॉइंट से आपके पास है, कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर भी है, तो वो आपने इधर से इसी तरीके से ये नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों टैब को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, एंड तक सेलेक्ट कर लेना जिधर तक आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से इंसर्ट वाले कॉलम के ऊपर आ जाना, ये इंसर्ट, और ये इधर आपके पास चार्ट्स के अंदर इधर आपके पास इंसर्ट सेक्टर एक्स वाई बबल्स चार्ट्स का ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इधर से क्लिक करना। तो ये आप ये देखेंगे आप जो सभी आप इधर से चार्ट बनाना चाहते हैं वो लाइंस इधर आपके पास बन जाएंगी। आप डॉटेड लाइन बनाना चाहते हैं या जो से भी आप लाइंस बनाना चाहते हैं वो सारी लाइंस इधर आपके पास आ जाएंगी। तो हम इधर से सेक्टर विद समूथ लाइन को इधर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास इधर ये जो हमारे पास सेंटर लाइन जा रही है ये इधर ड्रा हो गई है। इस प्लान को आप इधर से थोड़ा सा बड़ा कर दें अपने हिसाब से, अपने जो भी आपका पास एरिया आपने बनाया। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसकी ईस्टिंग और दूसरी तरफ हमारे पास इसके नीचे नॉर्थिंग आ गई है, और ये प्लान को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास इधर सिलेक्ट हो जाएगा। इधर से जो सभी पॉइंट को मैं इधर से चेंज करूँगा, सपोज इस प्लान पॉइंट को मैं इधर से चेंज करना चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा कोऑर्डिनेट्स का प्लान मेरा इधर से चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जो सा भी डेटा हमारे पास बना हुआ होगा, जो सा भी वैल्यू को आपके पास इधर वैल्यू गलत आ रही होगी, कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो आपको इधर पता चल जाएगी कि ये मेरी वैल्यू गलत है, आप उस वैल्यू को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इधर सेंटर लाइन लगा लेनी है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर इसके राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बीच में हमने गैप छोड़ा हुआ है इधर जो हमारी लाइन इधर मर्ज करती हैं। तो ये आपने अपने ऑटो कैड के प्लान के हिसाब से उसको कर लेना है। उसके बाद आपने इधर से इसको राइट सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक करना है और इधर से आपने आ जाना सेलेक्ट डेटा के ऊपर, सेलेक्ट डेटा के ऊपर आ जाना। ये हमारी पहली सीरीज थी, इसको आपने रीनेम कर देना है, इधर से आप जो भी आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं आप इसका नाम इधर से एडिट में आ जाएं और इधर से इसका नाम आप चेंज कर दें। तो ये हमारे पास सेंटर लाइन में इधर से लिख देता हूँ उधर, तो ये हमारे सेंटर लाइन की आ जाएगी। उसके बाद आपने ऐड वाले बटन को इधर से क्लिक करना है, तो ये एडिट सीरीज आ जाएगा। सीरियल नेम आपने इधर से राइट साइड कर सकते हैं, एक्स वैल्यू आपने एक्स वैल्यू को इधर से क्लिक करना है, और ये जो आपके पास राइट साइड है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और इधर से आपने इसी तरीके से इसके साथ जो हमारे पास इधर इसके वाई के कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं, इसी पॉइंट के दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं, वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। एंड तक करने के बाद आपने इसको इधर से ओके कर देना है, ओके करके ओके कर देंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास इधर इसकी लाइन ये इसी तरीके से ड्रा होगी, जो से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स से बीच में गैप था तो ये बीच में गैप आ जाएगा। इसी तरीके से आपने राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट डेटा के ऊपर आना है और इधर से ऐड के ऊपर आ जाना है, और इधर आपने लेफ्ट साइड आपने कर देनी है। लेफ्ट साइड करने के बाद एक्स वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये एक्स वैल्यू को आपने इधर एंड तक सेलेक्ट कर लेना है, जो से भी आपके पास कोऑर्डिनेट है, और इसी तरीके से आपने
वाई वैल्यू को जैसे पूरे उसके जो कोऑर्डिनेट्स आपका कॉलम है वो आपने जैसे सिलेक्ट करके और इधर एंड तक आपने ले आना है। ले आएंगे और ऊपर देखेंगे तो ये आपके सामने हमारे पास दूसरी लाइन भी इसकी ड्रा होगी। तो ये आप ये इसी तरीके से ये देख रहे हैं सारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये हमारी लाइन इधर से ड्रा हुई है। इसी तरीके से आपने इसी चार्ट के ऊपर अभी आ जाते हैं तो हमारे पास इधर ये एक्सेस रोड जो दूसरी रोड जा रही है बीच में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने इसी तरीके से इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा के ऊपर आ जाना है और इधर ऐड कर देना है। इधर आपने रोड टू आप करके उसकी सेंटर लाइन कर दें और इधर से आपने एक्स वैल्यू कॉलम के अंदर क्लिक करके और इधर से अपना एक्स को जो वैल्यू आ रही है आपकी सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू को और उसको बैक करके और आपने इसी तरीके से नार्दिंग की वैल्यू को इधर से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें तो भी आप ये देखेंगे हमारे पास दूसरी लाइन जो हमारे पास जा रही थी वो पूरी इसकी सेंटर लाइन इधर ड्रा हो गई है। इसी तरीके से इसका राइट और लेफ्ट साइड इधर है आपके पास। मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, डेटा आपने इसी तरीके से कोई भी वर्किंग अपनी एक्सेल के ऊपर करना चाहते हैं तो वह आप इस तरीके से इसकी वर्किंग को कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत इजी और सिंपल वे होता है, इसके अंदर आपको ऑटो से बेहतर आप एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। अगर आपकी छोटी मोटी वर्किंग्स वगैरह आप छोटे मोटे स्केच वगैरह बनाने चाहते हैं तो आप इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर इसकी वर्किंग कर सकते हैं। आपने जस्ट इसके अंदर कोऑर्डिनेट लिखने हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते जा रहे हैं इसकी लेंथ इधर ड्रा होती जा रही है। इसी तरीके से आपने इधर ऊपर आ जाना है और दोबारा ऐड कर देना है। इधर आपने रोड टू और इसकी आपने लेफ्ट साइड इधर कर देनी है और इधर से एक्स वैल्यू के ऊपर आ जाना है और ये हमारे पास इसके लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट जा रहे थे एक्स और आपने इसी तरीके से उसको ख़त्म करना है नीचे से वाई और इधर से आपने वाई वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर देना। तो आप ये देखेंगे करके ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास इधर इसकी सारी लाइन्स इसी तरीके से ड्रा होगी। जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक इंटरचेंज का प्लान है जिसकी मदद से ये हमारे पास उसके गैप को मैंने इधर सेट किया हुआ है। आप भी इधर से जाओ जो जो से पॉइंट आपके इधर मैच करेंगे दूसरी लाइन के साथ आपने उधर से कॉलम्स को इनकी रोज को खाली छोड़ देना। खाली छोड़ेंगे तो ये आपकी रोज इधर तक बन जाएगी और दरमियान में आपकी लाइन इधर से खाली हो जाएगी। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि रैंप जा रहा है हमारे पास, आप इसके रैंप के भी इसी तरीके से बना सकते हैं। राइट क्लिक कर दें, सेलेक्ट डेटा के ऊपर आ जाएं और इधर से आपने इधर ऐड आप इस कर दें आर रैंप वन, आप इसका नाम कर दें रैंप वन सी एल और इधर से आपने इसी तरीके से एक्स वैल्यू के ऊपर आपने आ जाना है और इधर से आपने इसके एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आपके आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसको आपने इधर से वाई वैल्यू के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने वाई के ऊपर आने के बाद इनके कोऑर्डिनेट्स को इधर आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये इधर से मैं इसको ओके करता हूँ तो इधर प्लान को हम देख लेते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्लान इधर से स्टार्ट हो गया। ये लाइन आप देख रहे थे कि हमारी इधर से स्टार्ट हो रही है इधर से, तो रैंप हमारे इधर से हो रहा था तो इसी तरीके से रैंप को हमने इधर से बना दिया है। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके दोबारा सेलेक्ट डेटा के ऊपर आ जाएँ। आप ये देख रहे हैं बहुत ईजी मैथड है। तो ये इसी तरीके से रैंप वन हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, कोई भी आप ऊपर नाम दे सकते हैं। इधर से आप इसको मूव कर दें और इधर से हमने इसकी सेंटर लाइन लगाई थी। अभी आपने इसकी जो राइट से लेफ्ट साइड के हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपने इसकी इधर से सिलेक्ट कर लेने हैं इसकी ईस्टिंग और इसके नॉर्थिंग की वैल्यू को। तो आप इधर हमारे पास इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप ये देख रहे हैं जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो ये आगे हमारे पास इसी तरीके से उधर मैच कर जाएगी। जिसमें ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ आपके पास। तो ये देख रहे हैं कि ये लाइन हमारी इधर पीछे से स्टार्ट होकर और आगे तक चलेगी और दरमियान में जो वापस जो लेफ्ट साइड की लाइन थी उसके कोऑर्डिनेट्स हमने जितने दिए थे वो सारे के सारे उधर बन रहे। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड प्लान इसी तरीके से आपने इसको बना देना है। इसके बाद राइट क्लिक करके आपने डेटा सेलेक्ट के ऊपर आ जाना है, आगे हमारे पास ऐड में आना है आपने और इधर रैंप टू जो भी आपके पास रोड की उसकी हेडिंग है वो आपने इधर दे देनी है और इधर से आपने आगे आ जाना है। और ये आप देख रहे हैं कि रैंप टू आपने इधर से इसको इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और इसी तरीके से आपने इसको इसको नीचे वाले वाई सीरीज को आपने इसको माइनस करके और इधर से इसके कोऑर्डिनेट्स को आपने इधर से उसके एंड तक आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें और इसी तरीके से आप ओके करेंगे तो ये मैं इधर दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास इधर नीचे लाइन लगी। अभी जो आगे वाली लाइन लगेगी वो हमारे पास इधर ये इधर से हमारी मैच होके और आगे तक चली जाएगी। तो आपने इसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट डेटा के ऊपर आ जाना है और तो आपने ऊपर इसका नाम लिख देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आपका रैम टू है रैम थ्री मुख्तलिफ रोड्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। उसके बाद आपने एक्स के ऊपर आना है और इधर से जो आपने राइट साइड का जो आपके पास एक्स वाला कॉलम जा रहा होगा उसको आपने एंड तक सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से वाई कॉलम को भी आपने इधर एंड तक सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है इधर। और आप ये देख सकते हैं इधर हमारे पास इधर ब्लैक कलर की लाइन इधर लग गई। उसके बाद ऊपर हमारे पास इधर रैम फोर है, आपने इसी तरीके से राइट क्लिक करके आपने उसका डेटा का नाम दे देना है जो भी रैम में थ्री जा रहा है हमारे पास और इधर से आपने उसकी एक्स वैल्यू
जो सेंटर लाइन की आ रही है उसको आपने जैसे एंड तक सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने वाई वैल्यू को आपने इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, और ऊपर से ऐड के बटन के ऊपर न्यू जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं किसी भी जगह के ऊपर आपने रखे हुए, क्योंकि थोड़े से मैंने उसको दूर किया है, आप इसको इकट्ठा भी रख सकते हैं। ऊपर से आपने इसका नाम चेंज करके और इसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू को आपने इधर उसको एंटर कर देना है। इसी तरीके से आप रिप्लेस कर दें ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू इधर आपके सामने, इसी तरीके से आपने इसके अंदर इनपुट करनी। इनपुट करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि पूरा डेटा हमारे पास इधर बन गया है, जितनी भी हमारे पास रोड्स थी, तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास इधर तीन रैम्स बन गए। इधर हमने एक मेन कैरिज वे बनाया, उसके बाद एक्सेस रोड एक था हमारे पास, और रैम्स थे तीन, ये हमने बना दिए। बाकी इंटरचेंज भी सारा सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ होएगा। इधर आप अभी जो भी वैल्यू आप जिस जगह से भी आप चेंज करेंगे, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने प्लान के ऊपर उसकी स्टिंग नार्थिंग जो भी वैल्यू आप इधर से चेंज करना चाहते हैं, गलत है आपके पास, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जिस तरीके से जो भी काम करना चाहते हैं, तो आप इधर से इजी तरीके के साथ उसको इधर से रिप्लेस कर सकते हैं अपने इन सारे पॉइंट्स को। तो ये पूरा डेटा इनपुट का सारा मेथड था। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक तरीकाकार था हमारा इसके अंदर ड्रा करने का कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। आगे इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स की, इनकी लेंस वगैरह की, ये प्लान को इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू इसका सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से जो भी है। तो आपने जैसे कोई भी लाइन को आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दें तो राइट साइड के ऊपर आपको फॉर्मेट प्लॉट एरिया आ जाएगा। तो उसमें आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर के ऊपर आ जाना है। इधर ये आपके पास कलर के नज़र आ रहे हैं, आप इधर से जो से भी कलर चेंज करेंगे, और नीचे आपको ये लाइन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इधर से जो से भी लाइन आप चेंज करेंगे तो आपके कलर्स और लाइन सारे इधर से चेंज हो जाएंगे। आप जो जो से भी लाइन को इधर से सिलेक्ट करते जाएंगे, जो सा भी कलर और जो सा भी लाइन टैप आप देना चाहते हैं वो आप देना दे सकते हैं। इधर से उसके कलर्स वगैरह को सबको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और सिंपल इसका तरीका क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और बहुत आसानी के साथ आप एक्सेल के अंदर अपना कोऑर्डिनेटेड प्लान, कोई भी प्लान आप बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। उसके प्रेजेंटेशन वगैरह के जो प्लान होते हैं वो आप एक्सेल के ऊपर बनाएं। अगर आपने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है या आपने कोई छोटा मोटा काम करना है किसी को बताना है, तो आप एक्सेल के ऊपर बहुत आसानी के साथ ये वर्किंग अपनी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट प्रिंट का भी अच्छा आता है, और इसके अंदर ऑटो कैड की तरह ज़्यादा आपको उसकी सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। ये आपका शॉर्ट वे के जरिए जो काम होगा वो आप इसके ज़रिए बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे ऐसी तरीके से आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करके उसके कलर्स वगैरह को जैसे आप चेंज कर सकते हैं, इसके पूरा फॉर्मेट वगैरह आप इसी तरीके से। तो ये आप इससे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर जितने भी हमने सारे रोड्स वगैरह के उसके डिस्क्रिप्शन नाम दिए थे वो सारे के सारे आ रहे हैं। आप इधर से कोई भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आप लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी और उसकी सेटिंग वगैरह भी राइट साइड से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें, और जैसे आपने स्केच को दोबारा सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर अभी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लगाने, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप साइड पर देखेंगे ये हमारे पास इधर इसके एलिमेंट्स वगैरह सारे आ जाएंगे। तो पहला हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा लेवल्स आ रहा है। आप इसको जैसे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारे पास उधर उस जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी उसकी स्टिंग आ गई है, उसकी स्टिंग और नर्थिंग आ गई है। जैसे आप इसको राइट लेफ्ट ऊपर अबव और बिलो जिधर भी आप रखना चाहते हैं आप इसको जैसे इजीली मूव कर सकते हैं इसके ऊपर। तभी तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी सिंगल वैल्यू आ रही है, अगर हमारे पास इसकी एक्स वैल्यू आ रही है तो आपने जैसे डबल क्लिक करना है और इसी तरीके से आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। आपके राइट साइड के ऊपर फॉर्मेट डेटा लेबल चार्ट ओपन हो जाएगा। आपने सारे पॉइंट इधर अलहदा क्लिक करके सिंगल क्लिक करेंगे तो सिंगल होएगा, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे। तो आपने सबसे लास्ट ऑप्शन के ऊपर चला जाना है, लेबल ऑप्शन। इधर आपके पास वाई वैल्यू चेक हुआ है, आपने एक्स वैल्यू को चेक करना है। एक्स वैल्यू को चेक लगा देंगे तो आपकी एक्स और वाई दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो आपने इन दोनों वैल्यूज के ऊपर चेक लगा देना है, और नीचे आपने इधर लाइन की के ऊपर आ जाना है और जैसे न्यू लाइन को सिलेक्ट कर लेना। न्यू लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऊपर और नीचे लाइन की शक्ल में आ गए, यानी कि जिस तरह हमारे पास स्टिंग और नॉर्थिंग आती थी उस तरीके से। आप इधर से इन कोऑर्डिनेट्स को मूव करके कहीं भी आप अपने इसको डिस्प्ले कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये अभी प्लान हमारे पास छोटा है तो ये हमारे पॉइंट साथ साथ आ रहे हैं। जैसे ही हम इस प्लान को बड़ा करेंगे तो ये प्लान हमारा कोऑर्डिनेट्स भी इसका सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको इधर से इसकी जो भी सेटिंग करना चाहते हैं आप इसकी सेटिंग कर लें। उसके बाद आप इसको सबको सिलेक्ट करके ऊपर आपने होम बटन के ऊपर आ जाना है, और उधर से आप इसका स्केल वगैरह जिस तरह एक्सेल के ऊपर नॉर्मल वर्किंग के अंदर से कलर्स और स्केल वगैरह और जो भी आप चेंज करते हैं आप उसके अंदर भी आके इसको बहुत आसानी के साथ अपना इसका जो स्केल है टेक्स्ट साइज वगैरह है वो सारा आप इधर से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरी साइड के ऊपर जिधर भी आप अपने कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करना चाहते हैं आपने ऊपर राइट क्लिक करके इधर डेटा लेवल को आपने ओके कर
कर लेना है और जैसे डबल क्लिक करना है तो साइड वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। उधर से आपने इसके एक्स वैल्यू को क्लिक करके और उसको लाइन की शक्ल में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप भी आप डाउन ये आप देख रहे हैं कि साइड के ऊपर इधर पूरे इसके फॉर्मेट्स वगैरह इधर आपके सामने नजर आएंगे आपको। आप इधर से उसकी भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं और उसके टेक्स्ट साइज वगैरह को अपनी मेन ऑटोकैड की होम विंडो में जाके और जैसे उसका कलर वगैरह और टेक्स्ट साइज वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी इसकी सेटिंग सिंपल वे है, बहुत आसान तरीका का आ रहा है। आप ऑटो कैड के ऊपर नहीं बनाना चाहते, आप एक्सेल के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आप इस प्लान को अपना कंप्लीट सेट कर लें, थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर लें ताकि ये आपके पास बेहतर इमेज की शक्ल में आए और जैसे आप इसका प्रिंट निकाल के और इसका अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी साइड वर्किंग वगैरह है वो आप ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो कैड के ऊपर ये करने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आती है तो आप एक्सेल के ऊपर मास्टर हैं तो आप एक्सेल के ऊपर ये बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जस्ट आपने जैसे डेटा इनपुट करना है, इसकी सेटिंग वगैरह सारी कर सकते हैं, ऊपर आप डिस्क्रिप्शन इसका दे सकते हैं, आप इसके अंदर हर चीज़ कर सकते हैं। ये डेटा जो आपके पास लिखा हुआ है आप इसके हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं कि प्लान बन जाए और ये डेटा साथ आपका इधर आ जाए। तो ये आपने इस डेटा को जस्ट आपने जैसे जो हमारे पास ईस्टिंग नर्थिंग की वैल्यू थी उसके हिसाब से हमने कर देना। तो ये प्लान आप ये देख रहे हैं कि आप ये सारा प्लान ये फाइनल हुआ हुआ प्लान है। आप इसी तरीके से इसके अंदर कोई भी अपना जो आपके पास कर्व का डेटा है वो आप नोट पैड के ऊपर लिख के इधर पेस्ट कर सकते हैं इधर इसी तरीके से जो उनसे भी लिखा हुआ है, या आपने ऊपर इंसर्ट के ऊपर आ जाना है और शेप्स को आपने क्लिक करना है और इधर से आपने फर्स्ट ऑप्शन जो आपका टेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो आप इसको क्लिक करके इधर से विंडो लेके और उसके ऊपर भी अपने पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी आपकी कर्व्स आ रही हैं उसका टेक्स्ट साइज वगैरह उसकी डायमेंशंस उसका जो भी डिटेल्स है सारी वो आप इस तरीके से भी इसके ऊपर इधर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी जगह के ऊपर, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी वर्किंग है। तो ये पूरी वर्किंग आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आपने मेरी वीडियो को इसको सही तरीके से समझना है और इसके अंदर जो मेरे चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपने सारी की सारी इसको देखनी है। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।